दोस्तों, यस बैंक के ऊपर एक नई अपडेट आई है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर एक अपडेट को आपके साथ में शेयर करता हूँ जो भी यस बैंक में आती है। बट उसके पहले दोस्तों, अगर आपने कैम्स और कैमकॉन के आईपीओ में सब्सक्राइब किया था और अगर आपको अलॉटमेंट मिल गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अगर नहीं मिला है तो नेक्स्ट टाइम के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे भी आईपीओ बहुत सारे अच्छे चैनल बाकी हैं, तो डेफिनेटली वहां पर जरूर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर आप लोगों के लिए काफी अच्छे अच्छे चीजें पोस्ट करता रहता हूँ जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। इसी के साथ चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये खबर जो है द इकोनॉमिक टाइम्स एंड मनी कंट्रोल दोनों में पब्लिश हुई है, आप कहीं भी जाकर इसको फुल रीड कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में उसकी जो मेन मेन हाइलाइट्स हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है बीएससी जॉइंस हैंड्स विथ यस बैंक टू एम्पावर एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उनको एम्पावर करने के लिए यस बैंक ने बीएससी के साथ में कोलैबोरेशन किया है, साथ में मिलकर कुछ करने वाले हैं। अभी क्या करने वाले हैं हम देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ऑन मंडे सेट इट हैज साइंड अ पैक्ट विद प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक। दोस्तों, बीएसई जो है अपने स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में एक लीडिंग जो है वो एक्सचेंज है, आप सभी जानते हैं एनएससी से बड़ा ये एक्सचेंज है, सबसे बड़ा अपने आप इंडिया में ये एक्सचेंज है। उसने यस बैंक के साथ में जो है एक पैक्ट को साइन किया हुआ है। अभी उसके अंदर क्या है, उसके अंदर ये है दोस्तों, टू एम्पावर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, जो भी उनके प्लेटफॉर्म में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लिस्टेड हैं उनको एम्पावर करने की बात चल रही है। अभी कैसे एम्पावर करेंगे, द पैक्ट एम्स एट एम्पावरिंग द एसएमई सेगमेंट थ्रू अवेयरनेस एंड नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम। तो बीएससी ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा कहा कि अवेयरनेस और नॉलेज शेयरिंग से जो है वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है उनको एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। और क्या कहा है चलो देख लेते हैं। एज पर द एमओयू, बीएससी एंड यस बैंक विल कंडक्ट नॉलेज इवेंट फॉर एसएमईज, एक्सपोर्ट प्रमोशंस ऑफ एसएमईज इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन। समझ रहे हैं आप, बीएससी और यस बैंक जो है वो नॉलेज इवेंट को कंडक्ट करने वाले हैं जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए, साथ में प्रमोशन भी करने वाले हैं ताकि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सके। बहुत जरूरी दोस्तों ये चीज होती है कि अवेयरनेस फैलाई जाए, बहुत सी चीजें लोगों को पता ही नहीं होती है कि कितने ज्यादा बेनिफिट्स वो ले सकते हैं, उठा सकते हैं, तो ये अवेयरनेस जो है बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब तक वो एसएमईज जो है उनके बीच में अवेयरनेस नहीं फैलाएंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि किस तरीके से वो जो है लोन लेकर अपने कंपनीज को और बढ़ा सकते हैं। कि अभी रिसेंट में यस बैंक ने बोला था जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको वो प्रेफरेंस देने वाले हैं, और इसीलिए दोस्तों ये एक और कदम उसकी तरफ बढ़ाया गया है। साथ ही में दोस्तों, जो बैंक है ऑल्सो ऑफर कस्टमाइज सर्विस, मतलब कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी जो है एंड प्रोडक्ट जो लिस्टेड एसएमईज हैं उनके लिए वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो बीएससी है उसमें सबसे ज्यादा स्मॉल और मीडियम जो एंटरप्राइज कंपनीज हैं वो लिस्टेड हैं। अगर हम बात करें एनएससी की कंपैरेटिवली तो बीएससी में उसमें डबल से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, और तकरीबन आप मान के चलिए मैक्सिमम जो है वो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ही लिस्टेड है वहां पर। तो उनका ये कहना कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं यस बैंक के साथ में एसोसिएट होकर, हम लोग जो है मिलकर काम करने वाले हैं टुवर्ड्स द हेल्पिंग एसएमईज स्केल एंड डेवलप देमसेल्व्स। अब डेफिनेटली दोस्तों, अगर अभी पर्टिकुलरली बीएससी और यस बैंक मिलकर इस चीज को फोकस करेंगे कि किस तरीके से हम स्मॉल और मीडियम जो कंपनीज हैं उनकी तरफ फोकस करें और उनको किस तरीके से इन सब चीजों के बारे में अवेयर करें, तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिजल्ट सामने निकल कर आएगा ही। और दोस्तों, बीएससी साहब ने क्यों ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए। दोस्तों, जो ग्लोबल हेड है राजन पेंटल जी, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जितने भी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होते हैं, एसएमई सेक्टर जो है वो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है अपनी कंट्री में, और वो एक की प्रायोरिटी सेगमेंट है फॉर द बैंक। तो डेफिनेटली अगर हम वहां पर फोकस करें तो रिजल्ट बहुत अच्छे निकल सकते हैं।
तो लास्ट में जो है उन्होंने यही कहा कि जितने भी SMEs हैं, अगर उन पर अच्छे से एम किया जाए, उनको अच्छे से एम्पावर किया जाए एम करके, तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा फास्ट ट्रैक के साथ में ग्रोथ कर सकते हैं, और इनकी ग्रोथ से जो है हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ अभी बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो गई है उस पर भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कंट्री के लिए एक अच्छी चीज साबित हो सकती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये खबर? लगातार जो है यस बैंक नए नए कोलैबोरेशन कर रहा है, नए नए पार्टनरशिप कर रहा है। आपने भी हाल ही में देखा कि SBI लाइफ के साथ में भी इन्होंने पार्टनरशिप की, फिर HDFC लाइफ के साथ में इनकी पार्टनरशिप निकल कर आई, और अभी BSC के साथ में भी इन्होंने जो है एक पार्टनरशिप कर खास तौर पर स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइज है उनके लिए ये चालू किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा इंकरेजिंग है हम सभी के लिए, और अगर इस तरीके से ही यस बैंक काम करती रही तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हमको अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों आप सभी का क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और दोस्तों अभी जो IPOs आए हैं उनमें अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो उसके पीछे रीजन ये है कि आपने मल्टीपल अकाउंट से IPO को सब्सक्राइब नहीं किया है, मतलब आपके अपने अकाउंट से, अपने वाइफ के अकाउंट से, अपने पेरेंट्स के अकाउंट से। तो मल्टीपल अकाउंट होना बहुत जरूरी है क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छे अच्छे IPOs आने वाले हैं। LIC हो गया, IRCTC हो गया, तो हो सके तो अपना डीमैट अकाउंट जल्दी से जल्दी ओपन करवा लीजिए। दोस्तों अगर आपके पास कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। फ्री में आप डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और बेस्ट ब्रोकर के साथ में आप कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अगर आपके पास में ऑलरेडी डीमैट अकाउंट है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं मेरे साथ डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की इन्फॉर्मेशन के लिए। दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो लिंक मैंने दिए हुए हैं, जो नीचे वाला लिंक है ये वाला, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट है वो एकदम फ्रीली ओपन होगा, कोई भी पैसे आपको देने नहीं पड़ेंगे। एंजल ब्रोकर को आप सभी जानते होंगे, एक्टिव यूजर के मामले में ये इंडिया में 4th नंबर पर आती है, और पहले जो था दोस्तों इसका पूरा जो काम था वो ऑफलाइन बेस पे था, मतलब ऑल ओवर द इंडिया में इनके ऑफिस खुले हुए थे, और आज से अगर मैं 4 से 5 साल पहले की बात करूँ तो ये नंबर 1 पर ये कंपनी थी। बट अभी ऑनलाइन जमाना आ गया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का जमाना आ गया है, सभी ऑनलाइन काम करते हैं, तो इन्होंने भी अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है पूरा। अभी ये ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं, अब आपको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और आप घर बैठे बैठे यहाँ पर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। प्लस इनकी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इनके पास बहुत सी रिसर्च रहती है, इनके पास बहुत सारे एनालिसिस रहते हैं जो आप लोगों के लिए रिसर्च करके देते हैं। तो एक ऐसी ब्रोकर के साथ में अकाउंट खुलवाना आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, वो भी अगर आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो रहा है तो इस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, कुछ डिटेल आपको फिल करने के लिए बोलेगा, एक दिन के अंदर आपका सारा अकाउंट ओपन हो जाएगा एंड अगले दिन से ही आप ट्रेडिंग की शुरुआत डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको जीरो में अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो वहां पर आपको ₹200 पे करने पड़ेंगे, आपको इस लिंक में क्लिक करना है एंड बताने की जरूरत नहीं है, नंबर 1 इंडिया का ये ब्रोकर है, तो आप चाहें तो यहां पर भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इक्विटी में अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो मात्र ₹200 में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, कैंसिल चेक, और आपका मोबाइल जो है आधार कार्ड के साथ में लिंक होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट बस चाहिए दोस्तों आप लोगों को। और आपको अगर FNO में ट्रेडिंग करनी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आपको ट्रेडिंग करनी है, देन आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी लगेगा, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दोस्तों अभी तक अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों अकाउंट ओपनिंग में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूंगा, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अभी के अभी लिंक पे क्लिक कीजिए और अपना अकाउंट को ओपन करवा लीजिए। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को द फेवरेट स्टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।